हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसे बहुत ज़्यादा लाइक किया और मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो फ्रेंड्स आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे आज मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने अजलान का जो लास्ट वीडियो में लर्निंग फोल्डर आप लोगों के साथ शेयर किया था, आज मैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। उसके तमाम जो प्रिंट आउट्स हैं मैं उनकी डिटेल्स आपको बताऊँगी और डिटेल में आपको दिखाऊंगी कि वो जो है ना कैसे सारे प्रिंट आउट्स तक आप डिटेल में देख लें कि कैसे हैं। और आपको थोड़ी सी मैं टिप्स भी दे दूंगी जो है आप ताकि उसमें बना सकें, ताकि फुल के फोल्डर घर पर। सबसे पहले फ्रेंड्स इसके लिए आपको चाहिए एक फाइल, पॉकेट फाइल आपको चाहिए, ठीक है। इसकी आपको ये पॉकेट फाइल चाहिए, एक फाइल। इसके ना अलग से ऐसे पॉकेट्स बनी हुई होती हैं, ये लेमिनेटेड जो इसकी पॉकेट्स होती हैं ये देखें जी, ये बनी हुई होती हैं, ठीक है। इनके अंदर आप लोगों ने सिर्फ प्रिंट आउट डालना है। प्रिंट आउट यहाँ से आप डालेंगे तो ये बिल्कुल जो है ना आपका लर्निंग फोल्डर बच्चे का तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने जो है ना ये मंगवा के देखें, इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी जो है ना वर्कशीट्स डाली हैं और काफ़ी सारी अभी तक इसमें स्पेस पड़ी हुई है। तो मैं जैसे जैसे इस फोल्डर को अपडेट करूँगी मैं आपके साथ वो भी शेयर करती रहूँगी। तो आज आइए देखते हैं अब इसके फोल्डर की जो डिटेल्स है वो हम देख लेते हैं। तो उसके बाद जो है आप लोग भी ताकि घर पे आसानी ये फोल्डर बना सकते हैं। तो इस फोल्डर का पीडीएफ लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आज, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट उस लिंक को वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर लें और इसके प्रिंट आउट्स ले लें। अगर आप खुद उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ प्रिंट आउट्स उसमें डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल। तो आइए चलते हैं लर्निंग फोल्डर की वीडियो की तरफ। तो आइए हम अजलान का लर्निंग फोल्डर जो मैंने बनाया है वो हम ओपन करते हैं। तो ये देखें जी, सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास स्मॉल लेटर्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग अपने बच्चों को स्मॉल लेटर्स ही इंट्रोड्यूस कराएं, उनको कैपिटल लेटर्स इंट्रोड्यूस ना कराएं, ताकि आगे जाके जो है ना, जब क्योंकि रीडिंग जो होती है ज़्यादातर मोस्टली स्मॉल लेटर्स में ही बुक्स में भी लिखी हुई होती है, तो हम लोग स्मॉल लेटर्स पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। इनकी हम फोनिक्स के थ्रू, वैसे पोइम के थ्रू आप लोग ABC सिखा दें, नेम मतलब उसके पोइम के थ्रू आने चाहिए, बट वैसे आप लोग फोनिक्स सिखाएंगे, ठीक है। फोनिक्स आप लोग इसके सिखा लेंगे। और कलरफुल इसलिए निकाली है क्योंकि बच्चों को आपको पता है कलरफुल चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, अगर मैं ब्लैक एंड वाइट निकालती तो वो इससे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट ना होता। तो कलरफुल निकालने का मकसद ही यही है कि बच्चों के लिए हमने चीज़ को अट्रैक्टिव बनाना। तो फ्रेंड्स उसके बाद ही आप देख रहे हैं हमारे पास आ जाती है 1-2 का कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास। तो 1-2 का हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है, देखें जी इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी कलरफुल सी मैंने शीट निकाली थी। तो इसमें भी क्योंकि जो है ना बच्चों के लिए कलरफुल अच्छी होती हैं चीज़ें, बटरफ्लाइज बनी हुई है, बॉल्स, एप्पल, लीव्स, ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे के लिए अट्रैक्टिव जो है ना ये वर्कशीट्स हैं और बहुत शौक से बच्चा इंटरेस्ट लेके इनको पढ़ता है। उसके बाद अलिफ पे आ जाती है। तो अलिफ पे फ्रेंड्स इस वर्कशीट में कुछ मिस्टेक्स थी, उनको मैंने खुद से करेक्ट किया है। आप लोग भी अगर करेक्ट कर लेंगे उससे बेहतर है कि आप लोग कोई नई वर्कशीट निकाल लीजिएगा, कोई कलरफुल सी देख लीजिएगा इंटरनेट से अलिफ पे की अगर आपको मिल जाती है, वरना आप लोग इस तरह जिस तरह मैंने करेक्शन की भी आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें आगे पीछे हुई हुई हैं और कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तो वो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स हैं इसके बाद हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं। तो साथ साथ जब आप लोग एनिमल्स करवाएंगे तो एनिमल्स के साथ साथ ही उनके आप लोग साउंड्स भी बच्चों को साथ साथ ही करा देंगे, ठीक है। साथ साथ एक्ट किया करें खुद, थोड़ा सा ना एक्ट करेंगे तो बच्चों के लिए वो अट्रैक्टिव बन जाएगी चीज़, बच्चे उसको एज अ प्ले करेंगे और उसे जो है ना इंजॉय करके सीखेंगे। उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो इंसेक्ट्स एंड बर्ड की वर्कशीट है। इंसेक्ट्स तो डेली लाइफ में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लोर करते हुए बच्चे को आप बताएं साथ साथ, बर्ड्स का भी आप इसी तरह बता सकते हैं, साथ साथ साउंड्स भी इनके बता सकते हैं, कलर्स, साउंड्स, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है ये भी आप जिस तरह मैंने बताया था कि डेली लाइफ से आप करवा सकते हैं, डेली किचन में क्योंकि ऑलमोस्ट तमाम में वेजिटेबल्स मौजूद होती हैं या फिर आती रहती हैं, तो जैसे जैसे कोई न्यू वेजिटेबल जो है आती है घर में आती जाती है, तो आप इंट्रोड्यूस कर दें बच्चे को, बताएं कि मैं आज मार्केट से ये वेजिटेबल लेके आई हूँ, ये फ्रूट लेकर आई। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आ जाता है शेप्स एंड कलर्स,
तो शेप्स भी जिस तरह आप देख रहे हैं कि मोस्टली हम लोग बेसिक शेप्स इंक्लूड करनी है, बहुत ज़्यादा बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना। तो ये बेसिक कुछ शेप्स मैंने इंक्लूड की हैं, कलर्स भी जो बेसिक कलर्स है वही इंक्लूड किए हैं। तो ज़्यादा नहीं हमने मुश्किल कर देना और बच्चे को इस चक्कर में नहीं डालना लाइट ब्लू डार्क ब्लू लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन, ठीक है। इस स्टेज पे आप लोग ने सिर्फ बच्चे को बताना है दिस इज़ ग्रीन दिस इज़ ब्लू, ब्लू के डिफरेंट शेड्स को भी ब्लू ही बोलना है और ग्रीन के डिफरेंट शेड्स को भी ब्लू ग्रीन ही बोलना है आपने। उसके बाद सीजन्स आ जाते हैं। सीजन्स वैसे थोड़े से बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट भी हो जाते हैं रिकग्नाइज करना, उनको अंडरस्टैंड करना कि क्या है। तो अगर आपके बच्चे को मुश्किल हो रही है इन्हें समझने में तो बेशक आप इसे स्किप कर सकते हैं, और अगर बच्चा इजीली कॉन्सेप्ट पिक कर रहा है तो आप कंटिन्यू रखें, वरना इसे स्किप कर दें। जब बच्चा 3 साल का होगा तब इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा। और फीलिंग्स चार्ट उसके बाद आ जाता है। फीलिंग्स चार्ट तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, जिस तरह मैंने बताया था कि एक्ट करके साथ आप लोग फीलिंग्स चार्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे को। उसके बाद वेदर चार्ट आ जाता है। वेदर चार्ट बच्चे समझ जाते हैं काफ़ी, क्योंकि डेली जो वो वेदर देखते हैं कुछ वेदर चेंजेस होते रहते हैं, साथ साथ आप उनको बच्चों को साथ साथ एक्सप्लेन करते रहें तो बच्चे इसका कॉन्सेप्ट इजीली पिक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट है, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, बच्चे इजीली डेली लाइफ से भी पिक करते रहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास बॉडी पार्ट्स की ये शीट है, तो ये भी आप लोग जो है ना बॉडी पार्ट्स कुछ इसे करवाएं, कुछ उसके अपने आप लोग बॉडी पार्ट्स को टच करते हुए पूछें उससे, कुछ अपने पार्ट्स बॉडी पार्ट्स को आईज नोज वगैरह टच करके उससे पूछें कि ये क्या है, तो इस तरह से उसकी बॉडी पार्ट्स की लर्निंग करवाएं। लिस्ट ऑफ ऑपोजिट वर्ड ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को बिठा के सब वर्कशीट पे ही बताएं कि दिस इज़ अप डाउन एंड हैप्पी सैड। आप डेली लाइफ से जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ भी जैसे उसको बोल रहे हैं आप गो आउट कम इन, तो इशारे करते हुए उसे बता दें, इस तरह भी बच्चा सीख जाता है। आप जब बच्चे को आप कोई चीज़ गर्म होती है हॉट बोलते हैं, फिर आइस निकलवा के उसको बोलेंगे दिस इज़ कोल्ड, चाय का बताएं दिस इज़ हॉट, इस तरह करके, यानी कि ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है डेली लाइफ से। मेनली जो फाइल बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए कि आप लोगों ने करवाना क्या है। ऐसा नहीं है कि टोटली अगर बच्चा रिजिस्ट कर रहा है, वो नहीं पढ़ना चाह रहा इस फोल्डर से और आपने उसे बिठाया हुआ और आप कह रहे हैं कि पढ़ें, फोर्स नहीं करना अपने बच्चे को। अगर वो खुशी खुशी देख रहा है चीज़ें पढ़ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आप लोग डेली लाइफ से एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको बताएं जो है ना, इस तरह से आपने नहीं करना कि ये करें और वो करें। तो ये मैं उसमें लास्ट वाली वीडियो में मैंने नहीं डाला था मंथ्स ऑफ द ईयर, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से 3 to 4 years जब बच्चे जब तब चले जाएं तब आप लोग स्टार्ट करें। स्टार्ट में आप लोग 6 months करवाएं, देन 6 months उसके नेक्स्ट लेवल के लिए रखें, ठीक है। तो ये आप लोग बेशक 2 years से 3 years तक के बच्चे के लिए ये नहीं है। और इसी तरह डेज ऑफ द वीक की वर्कशीट जहाँ पे मिसिंग हो गई है वो मैंने PDF में डाली हुई है, PDF फाइल से आप लोग देख लीजिएगा। तो वो भी आप लोगों ने 3 to 4 years के बच्चे को करवानी है डेज ऑफ द वीक भी, तो 2 to 3 years के बच्चे के लिए ये चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी नर्सरी राइम्स। नर्सरी राइम्स में यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को पहले लास्ट वीडियो में बताई थी, मैंने बाबा ब्लैक शीप इंक्लूड की हुई थी और मैंने व्हील्स ऑन द बस इंक्लूड की थी। व्हील्स ऑन द बस इस जो प्रिंट आउट का है मुझे ये बेनिफिट लगा है कि देखिए हर पिक्चर अलग से बनाई हुई है ताकि बच्चे को उसका ही पर्टिकुलर बताया जाए कि इसका साउंड आप जो है बताएं। जैसे मैं इसकी तरफ इशारा करके बताती हूँ, व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, फिर डोर्स ऑन द बस पे डोर्स ऑन द बस का गो ओपन एंड शट, फिर वाइपर्स ऑन द बस पे, इस तरह से। तो यानी कि पर्टिकुलरली एक चीज़ पे आप उसको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं उसका साउंड। उसके बाद 5 Little Monkeys वाली हमारे पास पोइम है, इसे भी बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। थोड़ा सा इसमें सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वन फेल ऑफ एंड बम्प्ड हिज हेड करके, तो यानी 5 में से फिर आप 1 को माइनस कर देंगे तो यानी कि कितने आपके पास पीछे रह जाएंगे, तो आप काउंटिंग करवाएं बच्चे से 1 2 3 4 आर रिमेनिंग, फिर 2 आप नेक्स्ट उस पर जो है ना स्किप कर दें और आप बोलें कि हाउ मेनी आर रिमेनिंग, काउंटिंग करवाएं। इस तरह से थोड़ा सा मैथ्स का सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बच्चे को आ जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये मैंने रिसेंट इंक्लूड की हैं हेड शोल्डर नीज एंड टोज, तो PDF फाइल में भी आपको मिल जाएंगी। तो हेड शोल्डर नीज एंड टोज की जो पोएम है, हेड शोल्डर नीज एंड टोज एंड आईज एंड ईयर्स एंड माउथ एंड नोज, हेड शोल्डर नीज एंड टोज, तो इस तरह करके आप इससे हेड शोल्डर नीज एंड टोज वाली पोएम करवा सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ये वाली हमारे पास स्पर्म है, ओल्ड मैकडॉनल्ड हेड ऑफ फैमिली। तो ये हमारे पास पोइम आ जाती है उसके बाद, ओ मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म ईयो एंड ऑन हिज फार्म ही हैड सम काउ ईयो। ठीक है, इस तरह काउ पे आप रख के इधर मू मू हियर एंड अ मू मू देयर, तो काउ को साउंड निकालें फिर, एंड ऑन हिज फार्म ही हैड सम शीप्स ईयो विद अ बाबा हियर एंड अ बाबा देयर। ठीक है, इसी तरह हॉर्स पे करके विद अ नी नी हियर एंड अ नी नी देयर। ठीक है, तो सब आप लोग एनिमल्स के डिफरेंट साउंड्स जो है ना इसे बना सकते हैं, तो बच्चों को इस तरह से एनिमल साउंड्स भी इजीली याद हो जाएंगे। आप लोग चाहें तो और भी इसमें, अगर आपको ज़्यादा मिलते हैं प्रिंट आउट्स इसमें जिसमें ज़्यादा एनिमल्स हों तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था जी फोल्डर। इसमें और चीज़ें ऐड करने की फ़िलहाल 2 to 3 years के बच्चे के लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब 3 years का बच्चा हो जाए या अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आप इंक्लूड कर लें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि मेरी इस छोटी सी कोशिश से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आप लोग जो है इसी तरह बस सराहते रहें, अप्रिशिएट करते रहें, तो हम भी अपना काम जो है वो बहुत ही अच्छे से करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच जाए। दुआ में याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।